चलिए दोस्तों, मैं ले आऊँ आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, आपने पेंडेमिक के टाइम में, चाहे आप ऑफिस जाते हो या चाहे आप स्टूडेंट हो, आपने अपने काम के लिए या स्टडी के लिए कोई ना कोई तो टैबलेट या टैब खरीदा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग उसे इस्तेमाल तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ चीजें उसकी एसेसरीज होती है ना, जो दोस्तों उसके बिना टैबलेट पूरा का पूरा इनकम्प्लीट होता है। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक। आपका भाई आपके लिए ले आया टॉप 5 बेस्ट एसेसरीज ऑफ टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 में एसेसरीज ऐसी बताऊंगा जो मस्ट हैव एसेसरीज है और सबके लिए तो होना चाहिए, चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी मैटर हो, लेकिन ये वाली एसेसरीज तो होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी। अब दोस्तों, आप लोग 30 से 35 हज़ार के बीच में कोई भी टैब खरीद लेते हो या शायद उससे महंगा भी खरीद लेते हो, लेकिन दोस्तों जब बात आती है उसके कीबोर्ड लेने की, तो दोस्तों उसी को देख के हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि कम से कम अगर सैमसंग का लोगे तो 8 से 9 हज़ार रुपये का आता है, और एप्पल वगैरह के तो बात ही मत करो, बेचने वाली बात आ जाती है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, सब कुछ बताऊंगा क्या क्या आपके लिए परफेक्ट या टैबलेट के लिए परफेक्ट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख। मेरा नाम है चाहत, आप देख रहे हो टेक चाहत, आइए करें टेक से प्यार। लेकर दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे जाओ, ऑल पे सिलेक्ट करो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड कर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आप ही लोग के फायदे के लिए, आप ही लोग का भला होगा। दोस्तों, जो हमारी लिस्ट में पहली एसेसरीज आती है टैबलेट के लिए, वो है एक स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्टैंड उसका 200 से लेकर 2 हज़ार रुपये तक आता है, ठीक दोस्तों। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, आपके लिए मैंने दोनों ही के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, अगर 200 वाला लेना है तो 200 वाला ले लो, अगर महंगा वाला लेना है तो महंगा वाला भी ले सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक स्टैंड होना जरूरी है जिस पे आप खड़ा करके अपना टैबलेट पे काम करोगे, अगर वो नहीं होगा तो मज़ा नहीं आने वाला है, इसलिए पहले बता देता हूँ एक स्टैंड ज़रूर होना चाहिए आपके टैबलेट के लिए। नीचे लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों, जो हमारे लिस्ट में दूसरी एसेसरीज आती है वो है टैबलेट स्लीव। जी हाँ दोस्तों, स्लीव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब दोस्तों इतना महंगा टैबलेट लिया यार, तो उसको गिनने से या इसमें स्क्रैच आने से या यहाँ वहाँ रखने से तो अच्छा है कम से कम उसके स्लीव में रखो। तो स्लीव के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को पिक कर सकते हो, उसके अलावा और किसी को मत करना, ठीक। पहला अमेजोन बेसिक के जो स्लीव आते हैं वो अच्छे रहते हैं, उसमें आपको जो फॉर्मिंग वगैरह वो अच्छी देखने को मिल जाती है, और दूसरा आता वो आता है एयर केस की तरफ से, उसमें भी आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोनों ही के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसलिए जाओ चेकआउट कर लो। दोस्तों, यहाँ पर स्टैंड और केस तो हो गया, अब बात आती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है पता है क्या, एक जो भी आपका टाइप सी हो या माइक्रो यूएसबी हो, उसके हिसाब से आपको एक डोंगल या यूएसबी हब टाइप का लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा चाहिए, सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। महंगा लेना चाहो तो महंगा ले सकते हो, सस्ता लेना चाहो तो सस्ता ले सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में है, इजली मैंने सबकी दे दी है। दोस्तों, एक तो यूएसबी हब या डोंगल होना तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जब आप काम करोगे एक साथ, आपको कभी उसमें माउस भी अटैच करना पड़ेगा, कभी कार्ड रीडर या पेन ड्राइव कुछ भी अटैच करोगे, तो उसके लिए दोस्तों ये कंपलसरी है। अब दोस्तों, जो हमारे टैबलेट के लिए चौथी एसेसरीज आती है, वो तो सही में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कीबोर्ड के बारे में। अगर दोस्तों आप महंगा कीबोर्ड लेना चाहो, जो सैमसंग का आता है वो केस वाला, तो दोस्तों वो 7-8 हज़ार रुपये का आता है, उतना आपका बजट है नहीं, इसलिए ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, मुझे पता है, झूठ मत बोलो बिल्कुल भी, ठीक दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 ऑप्शन रखे हैं, ठीक, दोनों ही लॉजिटेक के हैं और दोनों एक से बढ़कर एक जबरदस्त है, सब कुछ फीचर्स वगैरह सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा साइज का डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स तो दोस्तों जबरदस्त है। तो पहला कीबोर्ड पता कौन सा आता है, टेक का K380। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो के
380 कीबोर्ड आता वही की बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैंने रखा वो है लॉजिटेक का K480। जी हाँ दोस्तों, K480। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन दिए मैंने आपको कीबोर्ड के लिए, यही बेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इजिली जाओ, चेकआउट कर लो। अब दोस्तों जो हमारी लिस्ट पर पांचवी एसेसरीज आती है, यानी कि फिफ्थ एसेसरीज आती है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो भी मस्ट हैव है। दोस्तों आपकी तो उंगलियां घिस गई होगी उसमें स्लाइड करते करते टैबलेट में, मुझे पता है, झूठ मत बोलो, है ना। उसके लिए आपको चाहिए एक तो एक पेन या फिर एक स्लाइडर। अब आप सोचो कि एप्पल का ले लूं तो वो बहुत महंगा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 200 से लेकर 2000 रुपए तक का, उससे महंगे भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जौन सा आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और बेस्ट बाय लिंक है, और जो मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ वही मैंने किया है। तो आज के लिए बस इतना, यही था हमारे टॉप 5 एसेसरीज ऑफ टैबलेट, जो मस्ट हैव एसेसरीज है अगर आप स्टूडेंट हो या ऑफिस जाते हो या कुछ भी करते हो। अगर आपके पास टैब है तो ये वाली एसेसरीज होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, वो आपके वर्क को बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाती है। चाहे आप कुछ भी करते हो तो आप एकदम आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है मुझे पता है, झूठ मत बोलो, इसलिए वीडियो को कर दो लाइक, साथ में एक दो दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिनके पास टैब हो, जिनके पास नहीं हो, फ्यूचर में खरीद रहे हो उनको भी शेयर कर दो, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हो, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तब तक करते रहो टेक से प्यार, वंदे मातरम।